हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस ऑफसेट के बारे में। ये एक्चुअली में होते क्या है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडिया की जो डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी है 2020 की, उसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ जो कैग हैं, जिनको कि कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनके द्वारा इस पॉलिसी के बारे में क्या बोला गया है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक प्रोसीजर अभी जारी किया गया, जिसको DAP 2020 या फिर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बोलते हैं, जो कि 1 अक्टूबर यानी कि आज से ये लागू होना स्टार्ट होगा। इस प्रोसीजर में बेसिकली होता क्या है कि जैसे जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, उन सब का एक्वायर करने के प्रोसीजर के बारे में बात की जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है, वो बेसिकली ये किया गया कि जो 15 साल पुरानी एक पॉलिसी है, जिसको कि डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी बोलते हैं, उसको कुछ क्लॉज के लिए रिमूव किया गया है। तो जैसे कि अगर मान लो कोई भी डील या एग्रीमेंट होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसके लिए, या फिर एब इनिशियो सिंगल वेंडर डील अगर होती है, तो उन सब डीलों के लिए जो ये ऑफसेट का क्लॉज है, इसको रिमूव किया गया। तो ये क्या होती है, जैसे एब इनिशियो सिंगल वेंडर डील क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले अभी हम समझ लेते हैं कि जो डिफेंस ऑफसेट है, ये एक्चुअली में क्या होते हैं। ओके, तो जैसे दो कंट्रीज़ हम ले लेते हैं। एस एक कंट्री है जो कि सेलर है, मतलब कि बेचने वाली कंट्री है। पी जो है वो परचेजर कंट्री है, ख़रीदने वाली। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो जो एस जो पी कंट्री है, परचेजर वाली जो कंट्री है, इसको चाहिए 300 टैंक। तो ये एस कंट्री से 300 टैंक खरीदती है, जिनकी टोटल अमाउंट जो होगी वो $400 मिलियन है। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट में, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि वो 300 टैंक तो खरीदेंगे $400 मिलियन में, बट उसके साथ साथ जो सेलर कंट्री है, उसके द्वारा कुछ ऑफसेट भी किया जाएगा पी कंट्री के लिए। और यहाँ पे जो ऑफसेट की डिमांड जो रखी जाती है एग्रीमेंट में, वो जैसे इसके द्वारा रखी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 120% मान लो इसके द्वारा यहाँ पर रखी गई। तो यहाँ पर बेसिकली होगा ये कि जो सेलर कंट्री जो है वो पी कंट्री में, मतलब कि जो परचेजर कंट्री है, उसमें $480 मिलियन का ऑफसेट करेगी। ऑफसेट मतलब कि जैसे डायरेक्ट ऑफसेट हो गया, या फिर इनडायरेक्ट ऑफसेट, मतलब बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम समझें, जैसे एक्चुअल में कई सारे जैसे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि को प्रोडक्शन का सेक्टर हो गया, या फिर FDI जिसको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, या फिर एक्सपोर्ट असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो सेलर कंट्री है और परचेजर कंट्री, उन दोनों के बीच में ये जो अग्रीमेंट होता है कि $480 मिलियन का ऑफसेट दिया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, या तो ये दोनों कंट्री मिलके कुछ अमाउंट तक को प्रोड्यूस करेंगे एक साथ, या फिर कुछ FDI का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी सेलर कंट्री से परचेजर कंट्री में, और कुछ एक्सपोर्ट्स में असिस्टेंस या फिर मार्केटिंग में असिस्टेंस दी जाएगी। और यहाँ पे एक मल्टीप्लायर भी फिक्स किया जाता है, वो बेसिकली जो है उसके द्वारा फिक्स किया जाता है, जो परचेजर कंट्री होती है, मतलब जिसके द्वारा खरीदा जाता है, उसके द्वारा ये मल्टीप्लायर फिक्स किया जाता है। अगर हम इसको समझें तो जैसे मान लो को प्रोडक्शन के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है $70 मिलियन की, जो परचेजर कंपनी है उसके द्वारा, और उस के साथ साथ में जो परचेजर कंट्री है वो मल्टीप्लायर देती है उसको 3 का। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली बात ये हो गई कि $210 मिलियन अगर जो सेलर कंट्री है को प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करती है, को प्रोडक्शन में, तो उसके जो $70 मिलियन हैं वो $210 मिलियन की तरह काउंट किए जाएंगे। टोटल क्रेडिट उसका $210 मिलियन होगा। अब ऐसे ही अगर वो FDI में इन्वेस्ट करती है, तो FDI में जो मल्टीप्लायर की रेट है वो दी जाती है, जैसे वो जो परचेजर कंट्री है उसके द्वारा 4 दी जाती है। तो यहाँ पे अगर वो $14.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है FDI में, जो सेलर कंट्री है, तो उसका जो है $58 मिलियन का क्रेडिट उसको काउंट किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर मान लो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है, तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है वो 7 दिया गया है, जो परचेजर कंट्री है उसके द्वारा, तो उसके $20 मिलियन जो है वो $140 मिलियन जाएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर किया जाता है, और इसको टोटल जैसे अमाउंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में वैल्यू $128.5 मिलियन है, बट उसको मल्टीप्लायर के साथ में उसकी जो क्रेडिट वैल्यू है वो $480 मिलियन है। तो मतलब जितने का खरीदा उतने का तो इन्वेस्टमेंट सेलर कंट्री के द्वारा नहीं किया गया, बट जो
क्रेडिट वैल्यू है वो उतना ही, जो 120% का जो ऑफसेट दिया गया था जिस एग्रीमेंट में बात हुई थी जिसके बारे में। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे ये सिचुएशन होती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि जो मल्टीप्लायर इसको देने का मतलब क्या क्या हो गया बेसिकली। यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि जैसे मान लो परचेजर कंट्री है, उसके वहाँ पे अगर मान लो FDI में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम आता है, ओके, बाकी कंट्रीज के द्वारा FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बहुत कम किया जाता है, तो वो करेगी क्या कि वो उसके मल्टीप्लायर को बढ़ा देगी। और जैसे मान लो यहाँ पे 4 कर दिया इसको, और अब जो ये है सेलर कंट्री, इसको लगेगा कि भाई कम पैसे इन्वेस्ट करने में ज़्यादा उसकी क्रेडिट वैल्यू काउंट हो जाएगी, तो इस वजह से ये 14.5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसमें कर देगी। उसके साथ साथ जैसे मान लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो सेक्टर है, इसमें अगर परचेजर कंट्री जो है उसके पास में काफ़ी ही कम इन्वेस्टमेंट आता है, तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे कि क्या होगा जो सेलर कंट्री है उसके द्वारा उसको बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सेक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट करे, उसकी क्रेडिट वैल्यू भी उसके लिए ज़्यादा काउंट होगी, और जो परचेजर कंट्री उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं इन सब को हम बोलते हैं डिफेंस ऑफसेट। अब जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की कि अब जो कई सारे जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सब में जो डिफेंस ऑफसेट का जो क्लॉज है वो हटा दिया गया है, तो क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा? बट बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है जो G2G है, जिसको कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट या डील बोलते हैं, उसके अलावा एब इनिशियो सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, या फिर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो होते हैं, इन सब में, बस इनमें ही ऑफसेट का जो क्लॉज है वो हटाया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे इंडिया और फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उनके बीच में 2016 में जो राफेल एग्रीमेंट हुआ था, राफेल डील, जिसके थ्रू 36 राफेल फाइटर्स को खरीदा गया था, तो ये जो है ये बेसिकली एक IGA है, मतलब कि इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट है, जो बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में ही होता है, जिसको कि एक अम्ब्रेला कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी हम जान सकते हैं। अब जो ये एब इनिशियो सिंगल वेंडर, इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में तो कोई एक कंट्री है दूसरी कंट्री के साथ में डील कर रही है, ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे तीसरी कंट्री भी आ जाती है, तो अब यहाँ पे डील जो है वो एक कंट्री को करनी है इन दोनों में से किसी एक के साथ, तो वो इन दोनों के प्रपोजल को देखेगी, ठीक है, ये दोनों जो वेंडर्स हैं इन दोनों के प्रपोजल को देखेगी, उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किया जाता है, जिससे कि इन दोनों के प्रपोजल को देखा जाता है, और फिर बाद में एक सिंगल वेंडर को ही चूज़ किया जाता है, जो कि रिजल्टेंट सिंगल वेंडर की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, तो जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और इसको ही हम एब इनिशियो सिंगल वेंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्लॉज है जिसको कि अभी रिसेंटली रिमूव किया गया, इसके बारे में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्विजिशन है अपूर्व चंद्र, उनके द्वारा बेसिकली बोला गया कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो ये जो ऑफसेट का जो क्लॉज है, इससे जैसे 120% वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, तो अभी जो वेंडर्स हैं या फिर जो सेलर्स कंट्रीज जो हैं उन सब पे एक ये लोड की तरह काम करता है कि अब इतना पैसा भी इनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो करते क्या है कि जो पूरी डील होती है स्टार्टिंग में उसकी ही प्राइस को वो बढ़ा देते हैं, जैसे वहाँ पे स्टार्टिंग में जो 400 मिलियन था उसको वो बढ़ा के 500 कर देंगे, 450 कर देंगे, तो इस वजह से मतलब बेसिकली देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो देना पड़ रहा है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दी जाती है इस ऑफसेट क्लॉज की वजह से। अब यहाँ पे रिसेंटली जो कैग है, मतलब कि जिसको कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके द्वारा ये जो डिफेंस ऑफसेट की पूरी पॉलिसी है इसको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था। बेसिकली उनके द्वारा यहाँ पे ये बोला गया था कि जो डिफेंस ऑफसेट की जो पॉलिसी है, जिसका कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 2007 में स्टार्ट हुआ था, उस तब से लेकर 2018 के मार्च मंथ तक जो 46 ऑफसेट्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिनकी टोटल वर्थ जो है वो 66,000 करोड़ रुपीज़, अराउंड 66,000 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो 66,000 करोड़ रुपीज़ का ऑफसेट्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें जो ऑफसेट की टोटल अमाउंट है वो 90,223 करोड़ रुपीज़ है। इतनी अमाउंट का ऑफसेट इंडिया में डिस्चार्ज होना चाहिए था, बट यहाँ पे ओनली 11,396, ठीक है, मतलब 11,500 करोड़ रुपये का ही यहाँ पे जो ऑफसेट है वो डिस्चार्ज हुआ है दिसंबर 2018 तक। और ये जो 11,500 करोड़ रुपीस है, इसमें से बस 5,457 करोड़ रुपीस की
जो क्लेम्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, जो भी इनकी रिलेवेंट अथॉरिटी है उन सब के द्वारा, जो बाकी अमाउंट है या तो वो पेंडिंग में है या फिर वो रिजेक्ट हो गई है। और यहाँ पे 2024 तक, मतलब 2024 तक जो ऑफसेट की ऑब्लिगेशंस है वो है अराउंड 55,000 करोड़ रुपीज़। उसके बारे में जो कंप्यूटर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा बोला गया है कि वो कोई होपफुल नहीं है कि इस टाइप का जो ये ऑब्लिगेशन है इसको बाकी वेंडर्स के द्वारा भी पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे उनके द्वारा बेसिकली ये बोला जाता है कि जो फॉरेन वेंडर्स हैं उन सब के द्वारा ऑफसेट की कमिटमेंट्स स्टार्टिंग में तो की जाती हैं, बट बाद में वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिफेंस ऑफसेट्स हैं उनके बारे में और इंडिया की जो डिफेंस ऑफसेट की पॉलिसी है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। Thanks for watching and have a good day.